Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और आज मुंबई में प्रेस वार्ता है श्री राजपूत कड़ी सेना की। अच्छा ठीक है, माइक में बोलू। आज मुंबई में प्रेस वार्ता है श्री राजपूत कड़ी सेना की और इसका उद्देश्य, इसका जो विषय है, आप सबने सुना होगा गुजरात में राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला करके एक सांसद का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी का है और उसने क्षत्रिय महिलाओं राजपूत महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी और उनका संबंध बताया अंग्रेजों से, रोटी और बेटी का संबंध बताया अंग्रेजों से, और ये बताया गया कि क्षत्रिय समाज के लोग अंग्रेजों के चरणों में गिरे रहते थे, उनसे मिले हुए रहते थे। तो आज उसके विपक्ष में, उसके खिलाफ हम लोगों ने गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, यूपी में, हर जगह हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लाखों की संख्या में हम लोग हर जगह इकट्ठे हुए हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम आपने देखा होगा, गुजरात में लाखों लाख इकट्ठे हुए थे लोग, राजकोट में 8-10 लाख लोग इकट्ठे हुए, आनंद में हुए, जामनगर में हुए, खूब सारी जगह गुजरात में कम से कम 15-20 जगह 1 लाख से ऊपर के लोग इकट्ठे हुए। राजस्थान में हम लोगों ने इसका विरोध किया, हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। आज महाराष्ट्र की धरती पे हम लोग इसलिए आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोर वोटर क्षत्रिय समाज रहा है और 70-80%, 90% तक वोट हम भारतीय जनता पार्टी को देने वाले लोग हैं, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी राजपूत महिलाओं का अपमान करती है। भारतीय जनता पार्टी राजपूत महिलाओं का अपमान करने वाले व्यक्ति को अगर टिकट देती है, और राजपूत समाज ने एक छोटी सी डिमांड करी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए, हमने कोई टिकट नहीं मांगी, वहां से टिकट काटने की डिमांड करी, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको सीरियस नहीं लिया, इसको गंभीर नहीं माना, गंभीरता से नहीं लेते हुए उन्होंने उसको बकायदा टिकट भी दी, उसको टिकट काटी नहीं, और वो अब चुनाव वहाँ गुजरात में हो चुके हैं। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, उसके बावजूद उनके कुछ नहीं हुआ। तो अब की बार हम लोग पूरे देश के क्षत्रिय समाज ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह जाके मोर्चा खोलेंगे, उसके खिलाफ हम लोग कैंपेनिंग करेंगे कि हम लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग वोट करने वाले हैं, उनको हम लोग अब की बार हराने वाले हैं। और हमारा अब की बार का नारा है कमल का फूल हमारी भूल, जो हम पूरे देश में दे रहे हैं। आप बताइए। महाराष्ट्र में जो बाकी बची हुई सीटें हैं उसपे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्याम ठाकुर, वो हर सीट पे जाके, और मुझे भी जहां जहां जाने का मौका मिलेगा हम लोग जाएंगे। अब बची हुई 12-15 जो भी सीटें हैं सांसद की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, हम लोग वहां जाएंगे और जाके बाकायदा राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज को जागरूक करेंगे कि अब की बार जो हमारे साथ इन्होंने किया है उसके खिलाफ पूरे भारत का राजपूत खड़ा है। यहाँ बहुतायत में राजपूत समाज राजस्थान का विराजमान है, जो बंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, गुजरात का यहाँ राजपूत बहुतायत में है, यूपी का, बिहार का बहुत संख्या में राजपूत यहाँ, पूरे देश का राजपूत मुंबई में और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। उसके अलावा जो मराठा राजपूत समाज है, जो महाराष्ट्र का खुद यहाँ का जो राजपूत समाज है, वो भी यहाँ पे बहुतायत में है, बहुत संख्या में है। सब मिलकर अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग वोट देंगे, जो हमेशा इनके साथ खड़े रहते थे। इनके यहाँ की अगर आप महाराष्ट्र की अगर आपको मैं सिचुएशन बताऊँ, तो सबको मालूम है कि 14 मई 2013 को संभाजीनगर में एक बड़ी राजपूत समाज की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये वादा किया था राजपूत समाज से कि हम लोग आपको आरक्षण देंगे, हम लोग आपको महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल का एक बोर्ड बना के देंगे, जो दोनों ही वादे पूरे नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात, राजपूत समाज को यहाँ अगर आरक्षण लेना है महाराष्ट्र में, जो अंग्रेजों की एक रीति नीति बनाई हुई है कि अगर जो राजपूत समाज का व्यक्ति भामटा शब्द लगाएगा उसी को आरक्षण देंगे, तो मैं आप जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ विराजमान है, पत्रकार बंधु विराजमान है, उनके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर अंग्रेजों ने किसी को चोर घोषित किया, कोई सरनेम चोर घोषित किया, उसको अगर आज भी हम लोग ढो रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों से ये सरकार कैसे अलग है? वही अंग्रेजों के पच्चीनों पे ये चल रहे हैं, अंग्रेजों की उसी नीति पे ये लोग चल रहे हैं, ये भामटा जैसे
जो निम्न शब्द है ये हटाएं, अगर हमें आरक्षण देना चाहते हैं और भामटा जैसे शब्दों का अलंकरण हमारे सामने लगाना चाहते तो हम लोग नहीं लगाएंगे। ऐसा आरक्षण हमको नहीं चाहिए जिसपे हमें भामटा शब्द लगाना पड़े। मैं आप मीडिया पत्रकार बंधुओं को बोलना चाह रहा हूँ, उनके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाह रहा हूँ, ऐसी दोहरी नीतियां बंद कीजिए, हमें अपमानित करना बंद कीजिए। आपके सांसद के उम्मीदवार हमारी बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। आप रेगुलर यहाँ बड़े बड़े आरक्षण के ऊपर मुद्दे हुए, आरक्षण के ऊपर बड़े आंदोलन हुए, पर आज तक आप लोगों ने इस पे सीरियस नहीं लिया। तो अब की बार कमल का फूल हमारी भूल का हम लोगों ने नारा दिया है, बताएं। किसने करा? पुरुषोत्तम रूपाला ने अभी 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव की टिकट उनको मिली है, पहले राज्यसभा से वो केंद्र में है, अभी कैबिनेट मिनिस्टर है। 2 महीने पहले उन्होंने ये टिप्पणी करी थी, 10 साल पहले नहीं करी है, 2 महीने पहले करी है। और उनके खिलाफ हम लोगों ने गुजरात में बड़ा मूवमेंट किया और पूरे देश में हम लोग इस मूवमेंट को लेके जा रहे हैं। और अगर ये इनको लगता है कि हम लोग केवल लोकसभा चुनाव तक हैं तो इनकी गलत फहमी है। 5 महीने 4 महीने बाद जो यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, एक एक लोकसभा एक एक विधानसभा में हम लोग जाएंगे और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग एक मामला खड़ा करेंगे, एक पूरा मूवमेंट खड़ा करेंगे और हर एक क्षत्रिय को जगाया जाएगा। जिसके पीछे टाइटल लगता है वो किसी भी प्रकार का क्षत्रिय हो, वो हमारा भाई है और हम उसको जगाएंगे और बाकायदा अब की बार दिखाएंगे सरकारों को क्षत्रिय समाज कितनी ताकत रखता है। रूपाला जी ने स्टेटमेंट दिया है कि क्षत्रिय महिलाएं जिनका संबंध अंग्रेजों से हुआ करता था, क्षत्रिय महिलाओं की शादी संबंध अंग्रेजों से किए गए, रोटी और बेटी का संबंध अंग्रेजों से था और राजपूत समाज के राजा राजपूत समाज के लोग अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहते थे और राजपूत समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया अंग्रेजों के डर से। यह स्टेटमेंट पुरुषोत्तम रूपाला ने आज से 2 महीने पहले राजकोट की एक सभा में बोले। इसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में जा रहे हैं। दो महीने पहले बोला मैडम, 2 महीने से कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अगर जो भी चैनल हैं अगर वो दिखाते तो पूरे देश को मालूम चलता 8-10 लाख लोग अकेले राजकोट में इकट्ठे हुए हैं। 8,000 की संख्या, ये 1,000 बार ब्रेकिंग न्यूज करके दिखाते हैं और 8 लाख 10 लाख लोग इनको दिखाई नहीं देते। हम लोगों ने राजकोट में 8-10 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई। हमने आनंद जो अमूल डेयरी का सबसे बड़ा जगह है वहां पे 2-2.5 लाख लोग, हमने जामनगर में 2-2.5 लाख लोग, हमने बनासकांठा में 2-2.5 लोगों की उपस्थिति कराई है, हमने कच्छ में भुज में 15 से 18-20 जगह हम लोग 1 लाख से ऊपर इकट्ठे हुए। आप लोगों तक कोई मैसेज नहीं है क्योंकि गुजरात की खबर आप लोगों को किसी को मिलती ही नहीं है, गुजरात की खबर बैन करके रखते हैं। ये प्रेस के ऊपर इतना बड़ा एक, मैं तो बोल रहा हूँ कि आजाद भारत में इतना बड़ा एक षड्यंत्र है कि प्रेस को वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो आप सब लोगों से केवल यही विनती, आप चौथा स्तंभ है और प्रेस का व्यक्ति स्वतंत्र काम करता है, तो आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक इस चीज को दिखाएं कि राजपूत करने से ना राजपूत समाज का व्यक्ति, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति किस तरीके से विरोध प्रदर्शन पूरे देश में कर रहा है। आप लोग जैसे पत्रकार मेरे भाई यहाँ विराजमान है तो आप बात रखेंगे तो पक्का मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। और जो लोग हमारे हमारे नहीं, महिलाएं किसी भी समाज की हो, किसी भी परिवार की हो, अगर उसके सम्मान में कमी आती है तो क्षत्रिय ने अपनी गर्दने कटाई है। आप महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी तक देख लीजिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए वो लड़े मरे हैं। और मुझे गर्व है कि शिवाजी की जो भी शिवाजी जिस राजपूत खानदान से आते हैं वो हमारे मेवाड़ का है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जिस धरती पे हूं वो व्यक्ति जहां पूरे देश में पूरे विश्व में जिनका नाम है शिवाजी महाराज और आज उनकी धरती पे हो तो ये चीज पूरे देश में जानी यहां से चाहिए। हो गया।
प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछिएगा 400 पार का नारा आजकल देना कैसे बंद कर दिया आपने, मोदी की गारंटी बोलना कैसे बंद कर दिया। ये वही क्षत्रिय समाज है जो यूपी में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में, बहुतायत में। हम लोगों ने एक एक युद्ध में चार चार पीढ़ियाँ खपाई है और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। हमारे पास गढ़ किले चले गए, हमारी रियासतें इसे पूरे भारत को, एकीकृत भारत को भारत बनाने में दान दी गई है, हमने समर्पित करी है, समर्पण करा है। और हम पे अब भी ये आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है हम सिखाएंगे? किसी पार्टी से राष्ट्रवाद सीखना मुझे लगता नहीं कि राजपूत को सीखना चाहिए, क्षत्रिय को किसी से सीखने की जरूरत है। हम लोगों ने गढ़ा ऐसी ये बात कि राष्ट्रवाद क्या है, ये शिवाजी महाराज ने गढ़ा है, ये महाराणा प्रताप ने गढ़ा, पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ा हुआ शब्द है ये। कोई हमें सिखाए कि राष्ट्रवाद क्या है तो फिर शिवाजी क्या है? राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक कोई महाराणा प्रताप, अगर महाराज शिवाजी है तो वो इसीलिए कि उन्होंने अपने बच्चों के बलिदान दिए, अपने खुद का रक्त अपने इस धरती को समर्पित किया, तो वो राष्ट्रवाद है। जो हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है, हमें राष्ट्रवाद कोई सिखाने की अगर कर रहा है तो गलती कर रहा है। मेरा हो गया। देखिए, हमें एक उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आने के बाद समान समान हक, समान अधिकार और समान कानून, ये हमारी एक राय थी कि बीजेपी को व्यवस्था लाएगी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग गुजरात से हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किए थे। विरोध क्या था? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला, जो राजकोट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव की टिकट उनको मिली, उन्होंने राजपूत महिलाओं के क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी। टिप्पणी थी, अंग्रेजों के साथ उनका रिश्ता था, संबंध हुआ करता था, राजपूत राजा महाराजा, क्षत्रिय महाराजा महाराजा उनके चरणों में गिरे रहते थे और इनके रोटी और बेटी का संबंध था। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर राजपूत राजाओं का राजपूत राजा अगर अंग्रेजों के चरणों में गिरे होते तो आजाद भारत का ये नक्शा नहीं होता। अगर राजपूत राजाओं का समर्पण नहीं होता तो ये जो एक पूरा एकीकृत भारत है उसके नक्शे में जो 564 रियासतें हैं वो विलय नहीं हुई होती। तो कोई बोलता है कि हमारी महिलाओं के खिलाफ तो हम लोगों ने गुजरात से चालू किया विरोध प्रदर्शन, हम लोग हरियाणा गए, राजस्थान गए, हम लोग मध्य प्रदेश गए, यूपी गए, आज मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की धरती पर, बंबई की धरती पर हम लोग विराजमान है। और इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग हैं, अब की बार कमल का फूल, हमारी भूल का नारा क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने पूरे देश में दिया है। हम लोग अब की बार इनको वोट की चोट देकर, बकायदा जो महिला का सम्मान नहीं करता, जिस पार्टी को हमने सालों से वोट किया है, 40-44 साल से हम लोग वोट करते आए और वोटर राजपूत समाज रहा है, और उसकी महिला का अगर ये सम्मान नहीं करते, और हमने केवल एक अदर टिकट कटवाने की डिमांड करी थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए, और इन्होंने टिकट तक नहीं काटी, तो आप समझ सकते हैं कि इनके प्रति हमारे मन में, हम इनके मन में हमारे प्रति क्या सम्मान है, हमारी महिलाओं का इनके इनके मन में क्या सम्मान है। हम लोग अब की बार इनको हराने का काम करेंगे। जितनी सीटें यहाँ बची है, जो 12 है, 15 है, मुझे नहीं मालूम जो पांचवें चरण में कितनी सीट बची है, हम उस हर एक सीट पे जाने का प्रयास करेंगे और क्षत्रिय समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी इसी घड़ी आपका ये फैसला कितना अहम है और कितना बदलाव आ सकता है इसमें? 400 सीटों का जो नारा है वो अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा हमने पकड़ लिया, जो इन्होंने अश्वमेध रूपी एक यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, वो अश्वमेध का घोड़ा हमने पकड़ लिया है। अब की बार क्षत्रिय बालकों ने पकड़ लिया, किसी के बाइक के लाल में दम हो तो 400 पार की बात करके दिखा देना। ये बोल रहे कि 400 पार कहाँ गया वो नारा, अब 400 पार की बात क्यों नहीं करते? मोदी की गारंटी कहाँ फेल हो गई? क्योंकि अब की बार खिलाफ में राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज जो कोर वोटर है। क्या लगता है कितने वोटर्स का नुकसान हो सकता है बीजेपी सरकार? सीधा सीधा मुंबई से लेके महाराष्ट्र में जहां जहां पांचवें छठे चरण में चुनाव है, राजपूत समाज के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, क्षत्रिय समाज के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, भामटा जैसे शब्द आपको लगाने पड़ रहे हैं, ये अपनी आपकी कमजोरी है। हम लोग इकट्ठा होकर अब की बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हमें और कोई पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, हम केवल भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर है, क्योंकि घर के लोगों से ही
कोई भी चीज पे अगर आपको दिक्कत हो तो उन्हीं से ओलाना होता है, उन्हीं से कोई डिमांड होती है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब की बार फसल भारतीय जनता पार्टी कमल की फसल हमारे लिए खराब है, हम लोग नहीं काटेंगे। अगर उन्होंने माफी मांगी आगे आके ये सब होने के बाद, तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? पांच पांच बार माफी मांग चुके पुरुषोत्तम रूपाला, पांच पांच बार माफी मांग चुके। मैं आपको सबको बोलना चाह रहा हूँ, महिला सम्मान में कोई महिला का अपमान कर जाए और माफी मांग के गली निकाल के चले जाए, हम अब की बार माफ नहीं करेंगे। अब की बार माफी नहीं है, अब की बार इनको एक्शन लेना पड़ेगा। राजपूत समाज वेला नहीं है, राजपूत समाज कोई बिना काम के नहीं बैठा। जो हर बार तुम आओगे और हमारी महिलाओं पे टिप्पणी कर जाओगे, हमारे राजा महाराजा रजवाड़े पे टिप्पणी कर जाओगे, हम लोग माफ कर देंगे? हम माफ नहीं करेंगे। और अगर माफी की बात है तो प्रधानमंत्री की ये दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी पार्टी का एक सांसद अगर ये बात कर रहा है तो अभी तक उनको बोलना चाहिए, क्योंकि हर बार वो बोलते हैं महिला सम्मान महिला सम्मान। तो क्या राजपूत समाज का महिलाओं का सम्मान नहीं उनके मन में? महिलाओं का चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, उनके मन में सम्मान की बात करते हैं कि देखो नारी उत्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा देते, ये सब फर्जी नारे हैं। उनके मन में राजपूत समाज की महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, क्योंकि चार चार चरण पूरे हो चुके हैं, अभी भी वो कोई किसी भी प्रकार की माफी उन्होंने नहीं मांगी। चार सौ बार की अगर मुंह से वो बोल भी जाए तो मैं हमारा संस्था को आप बोलोगे तब बंद कर दूंगा। उन्होंने बोलना बंद कर दिया 20 दिन। क्यों कर दिया? क्योंकि अब की बार लड़ाई राजपूत से है, 400 पार जा भी नहीं रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि सर्वे क्या बता रहे हैं, 225 से 250 पौने 300 तो बता भी नहीं रहे। तो खुद की इनकी 250 सीट आ जाए वही बहुत है, अलायंस के साथ ये सरकार बना ले इतनी बहुत बड़ी बात है। हम नहीं चाहते कि इनकी सरकार नहीं आए। अब की बार सरकार बचाना भारी पड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी का है वो हमारे कारण से है, कांग्रेस के कारण से नहीं है। वो 100-125 सीटों पे भी नहीं लड़ रहे थे, वो 5 सीट पे भी नहीं लड़ रहे थे। हम लोगों ने उनको 100-125-150 सीटों पे लड़वा दिया है, हमारी ये ताकत है। हर जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, बड़ी सभाएं लेकर शपथ ग्रहण हम लोग करवा रहे हैं। अगर आप देखोगे करणी सेना के नाम से वीडियो, तो लाखों लाख 10-10 लाख लोगों को शपथ दिलवाई हम लोग। राजकोट में 10 लाख लोगों ने शपथ ली है, आनंद में 1.5-2 लाख लोगों ने लिए, जामनगर में 2-3 लाख लोगों ने शपथ लिए। जहां जहां आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की सभा में आधे से ज्यादा जामनगर में कुर्सियां खाली थी, और जाम साहब जो वहां के राजा, उनको जाके बकायदा उनको धोख देनी पड़ी, उनको प्रणाम करना पड़ा। ये राजपूत की ताकत है। वहां पे 50-60 हजार इनके लिए आए, हमारे 2-2.5 लाख लोग आए। और अगर हम यहाँ पे सम्मेलन करते और 5-7-25 दिन पहले अगर तैयारी करते तो हो सकता है आज प्रधानमंत्री की रैली से ज्यादा क्षत्रिय समाज यहाँ होता। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे, हम हराने का काम करेंगे। सर आप बताइए महाराष्ट्र में किस तरीके से तैयारी आप लोग की इसके अगेंस्ट में उतरने की? जिस प्रकार से 14 मई 2023 को औरंगाबाद संभाजीनगर आज का संभाजीनगर वहाँ पे सकल राजपूत समाज के प्रोग्राम के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने राजपूत समाज को एक आश्वासन दिया था कि आपको आरक्षण हम का शब्द काट देंगे, आरक्षण आपको देंगे, साथ में महाराष्ट्र का आर्थिक महाविकास महामंडल आपको स्थापन करके देंगे, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत खेद की बात है। इसका रोष आने वाले विधानसभा और चल रही लोकसभा इसके अंदर बहुत मजबूती से इनको दिखाई देगा। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मतदाताओं से ये अपील करेंगे, हमारे क्षत्रिय समाज पे, क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पर आज जिस प्रकार से रूपाला ने शब्द प्रयोग किया ये बहुत निंदनीय है, और सभी क्षत्रिय समाज से हम अपील करेंगे कि आप सोचो आज जब वो क्षत्रिय समाज के महिलाओं पे आज वो टिप्पणी कर रहे हैं तो कल और भी कुछ हो सकता है। हम निवेदन करना चाहेंगे क्षत्रिय समाज के ऊपर से ज्यादा क्षत्रिय समाज 36 पगड़ जातियों को साथ में लेकर चलता है, तो हम तो ये भी कहेंगे क्षत्रिय समाज को
छत्तीस पकड़ करते हुए वो लोग आज हमारे पे कल तुम्हारे पे रहेंगी, बहन बेटी सबकी है, तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कितनी बुरी तरह से हम हरा सकते हैं, इस पर आप अमल कीजिए। मैडम आप खुद महिला है, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो बात सामने आ रही है, तो आप एक महिला कैसे देखते हैं? बीजेपी सरकार की ओर से देखते हुए कि सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि राजपूत समाज की महिलाएं ही नहीं, सभी समाज के महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। जिस रेसलर महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया था, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसके बाद में आज मैं मणिपुर की बात तो सब मीडिया के सामने है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला का सम्मान बीजेपी के सरकार में हो रहा है। ये सबसे बड़ी हमको शर्म आती है भैया बोलते हुए कि बोलते हैं कि मैं एक प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य नहीं होना चाहिए कि मंगलसूत्र के बारे में लेडीज के वो कहे, पर जब वो इस बारे तक जाते हैं तो कैसा है, किसी का पति बचाने के पहले खुद पति बन जाओ, इतना एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं। और बहुत बड़ी बात होती है भैया महिलाओं का सम्मान, महाराष्ट्र में महिला सुरक्षित रहनी चाहिए, राजस्थान में भी सुरक्षित रहनी चाहिए, इस बात को लेकर एक महिला होकर मैं राजपूत समाज को यही अपील करूंगी कि आप कृपया हमारे करनी सेना के ओर से आपको अपील करते हैं कि महिलाओं का जहां सम्मान नहीं वहां अब की बार तो भी कमल थड़ी पार होना चाहिए, कमल थड़ी पार होना चाहिए। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, अभी कल मेरे पे अमेठी पे मुकदमा दर्ज हुआ है, अमेठी में पत्रकार वार्ता को लेकर, तो आपके पत्रकार बंधुओं से के द्वारा ही मैं पूरे देश में ये मैसेज करना चाह रहा हूँ, अगर इस तरीके का फर्जी मुकदमा कोई दर्ज करना करके मुझे कोई डराने की बात कर रहा है तो मैं जल्द ही वापस अमेठी आ रहा हूँ, किसी की औकात हो तो मुझे पकड़ ले, मैं गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करें, और अगर यहाँ भी किसी पदाधिकारी पे चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या किसी को भी प्रताड़ित करने की कोई कोशिश करेगा तो हम लोग बड़े लेवल पे हर जगह हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद।